हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सर, फाइनली जो दिसंबर 21 के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ऑल द बेस्ट कहने आया हूं। काफ़ी बच्चे हैरान हो जाएंगे, सर एग्ज़ाम में भी टाइम है और आप अभी क्यों आ रहे हो, एक दिन पहले ऑल द बेस्ट कहते हैं। बट सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फ्रेंकली मैं चाहता हूँ आप आखिरी के जो भी दिन हैं या पेपर के दौरान जो है बिल्कुल भी वीडियोज़ ना देखें, ठीक है, और जितना काम का है उतना ही देखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो आप वीडियोस देखते हो, टीचर्स के और सारे वीडियोस देखते हो, वो सब मैं चाहता हूँ बंद कर दो आप। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंटेंट न डालूँ या मैं फालतू चीज़ें मतलब उस पर वीडियो न डालूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब जिनको टाइम वेस्ट करना है वो तो करेंगे ही, ठीक है, वो किसी की बात मानते नहीं है। बट मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना किया जाए, और इसीलिए मैं बस आपको ऑल दी बेस्ट कहने आया हूँ सर। जिन लोगों ने भी जितनी भी पढ़ाई की है सर, बस अपना बेस्ट दीजिए, मैं यही आपसे कहने आया हूँ, बेस्ट दीजिए। बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी की भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, किसी की भी उस लेवल पर रिविजन नहीं हो पाती है, और पास होने के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया है भी नहीं, ठीक है। तो आप स्टिल पास हो सकते हो, ठीक है, भले आपको फील हो रहा हो या ना हो रहा हो, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपना बेस्ट दीजिए, बस मैं आपको यही कहना हूँ कि बिल्कुल भी अब इतना करने के बाद डिमोटिवेट नहीं होना है, एफर्ट्स में कमी नहीं रहने देनी है, और एक फाइनल टच आपको अपनी पढ़ाई को देना है, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करना है सर, खुद रिवाइज करना है, सेल्फ रिवाइज करना है सर। आखिरी दिनों में हल्का फुल्का कुछ एक दो चैप्टर्स में आपको सपोर्ट की नीड है तो आप डेफिनेटली वीडियोस रेफर कर सकते हो, बट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट योर सेल्फ रिविजन। आप ये लिख लो, ये लिख लो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 8 साल का अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। नो वीडियो, नो रिविजन लेक्चर्स कैन सब्स्टिट्यूट योर सेल्फ रिविजन। आपको सेल्फ रिवाइज करना ही पड़ेगा सर, कितने भी आप वीडियोस देख लो, सिर्फ वीडियोस देख के आप एग्जाम देने नहीं जा सकते। इतना बड़ा ब्लंडर आप नहीं कर सकते अपने करियर में, इसलिए कह रहा हूँ टाइम था, वीडियोस देख लिए आपने, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब आखिरी टाइम पे अगर आप सेल्फ रिवाइज नहीं करोगे तो बाद में आप ही कंप्लेन करोगे कि सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, मैं ब्लैंक हो जा रहा हूँ, या कुछ भी ऐसे जो भी आप रीजंस कहते हो ना, ये इसीलिए कहते हो क्योंकि आपने अपनी तरफ से एफर्ट डाला ही नहीं है। और सिर्फ वीडियोस देखने से सर वो काम नहीं होता है, आपको खुद वो चीज़ें करनी होती है सर। 2 बार 3 बार 4 बार आपको सेल्फ रिवाइज करना पड़ेगा सर, तब जाके चीज़ें आपको रिकॉल होंगी, तभी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, आप सेल्फ रिवाइज करो अच्छे से। 2 दिन में या 1 दिन में या जो भी, मैंने CMFSM के लिए ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है सर कि कैसे 1.5 डे में या 1 डे में आप उसको पढ़ोगे, ठीक है, कहाँ से क्या पढ़ सकते हो क्या नहीं है, पूरा डिटेल गाइडेंस मैंने अपने सब्जेक्ट के लिए दे दिया है। CMA FSM दोनों के प्रॉपर रिविजन सीरीज पूरे आपको दे दिए हैं, दोनों के रिविजन नोट्स आपको दे दिए हैं, दोनों के टेस्ट पेपर्स आपको दे दिए हैं, एंड गेम नोट्स आपको दे दिए हैं सर, मेरे सब्जेक्ट का मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, गाइडेंस, वीडियोस, नोट्स, टिप्स, ट्रिक्स, सब कुछ आपको दे दिया है, सब आपके हवाले है। अब मेरे तरफ से कुछ भी बचा नहीं है, अब सर आपका काम स्टार्ट होगा, हमारा काम हो गया है, अब आपको अपना काम करना है सर, तभी हम दोनों की मेहनत सफल होगी। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि अब कोई बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि पूरी जो मेहनत आपने की है, हम दोनों ने मिलकर जो पूरी मेहनत की है, वो पूरी वेस्ट जा सकती है अगर आप एंड मोमेंट पर कोई भी ब्लंडर कर दोगे तो। और ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इसलिए मैं वीडियो के थ्रू बार बार बच्चों को याद दिलाता हूँ कि यार ब्लंडर मत करो, ब्लंडर मत करो, सबकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, एक ही चीज़ फॉलो करो, एक ही टीचर को फॉलो करो, अलग 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 चीज़ें मत करो, सबके सारे टीचर्स की मतलब पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ सेल्फ रिवाइज करें, ठीक है, मेरा अभी भी आपसे यही कहना है, सेल्फ रिवाइज करें अच्छे से, 2-3 बार सेल्फ रिवाइज करें, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। जो चीज़ें आपको नहीं आती, जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं समझी हैं, उन चीज़ों से दूर रहें, उनको अब कवरअप करने की कोशिश न करें, सिंपल सिंपल ये मैं कहूँगा, ठीक है। अब कुछ भी लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सिर्फ आपको पढ़ना है, देखना है, कैलकुलेटर पे थोड़ा बहुत आप चीज़ें क्रॉस टैली कर सकते हो या
कैलकुलेटर पे कैसे स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे वो सब आप देख सकते हो, उतना आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कि हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का ख्याल रखें सर। आप कितने घंटे पढ़ पाओगे, 3 घंटे में कितना प्रोडक्टिवली लिख पाओगे, आपका जो भी फील है वो आपकी हेल्थ पे डिपेंड करेगा सर। इसलिए फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है जितना आपसे होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ गिव योर बेस्ट। बेस्ट का मतलब सर 15 घंटे 18 घंटे नहीं होता, बेस्ट मतलब जितना आप कर पा रहे हो। अगर आप 8 घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ पा रहे हो इट्स बेस्ट फॉर यू, अगर आप 10 घंटे पढ़ पा रहे हो इट इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है। बेस्ट मतलब 15 घंटे नहीं होता जो आपके मन में भरा गया है, बेस्ट मतलब जितना आप कर पा रहे हो विदाउट स्ट्रेसिंग और स्ट्रेचिंग योरसेल्फ टू मच, क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली अब आउटपुट देना है। थोड़ा सा भी आपने एक आध दिन ज़्यादा जोश दिखा दिया, आगे के दिन की पढ़ाई आपकी बर्बाद हो जाएगी। और अब तो पेपर्स हैं तो आप एक भी दिन ज़्यादा जोश न दिखाएं, कंसिस्टेंटली पढ़ें, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस ना करें, टेंस ना करें। और खाने पीने पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत हैवी न खाएं, पढ़ ही नहीं पाओगे, नींद आएगी, और कितना भी फिर आप स्ट्रगल कर लो प्रोडक्टिव पढ़ाई फिर नहीं हो पाएगी। ज़रूरत से कम खाओ, ज़रूरत से कम खाओ, फुल पेट बिल्कुल भर के नहीं खाना है, ठीक है। जितना भी आप ज़्यादा मतलब जो जिनको बहुत ज़्यादा खाने की आदत है हल्का सा थोड़ा सा कम खाओ, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। बादाम वादाम खाना चालू कर दो अगर आप नहीं खाते हो, ठीक है, हर चीज़ इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आई होप आप अभी तक फॉलो करते आए हो मेरी बातें, तो आप ये भी बातें ज़रूर फॉलो करोगे, ठीक है। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं सर आपसे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत मेहनत आपने अभी तक की है, और बस फाइनल टच है सर, अब बस कुछ गड़बड़ ना हो। मुझे वही टेंशन होती है बार बार कि बस आखिरी टाइम पे कोई गड़बड़ ना कर दे। इतना कुछ किया है, मतलब सबने मेरी रिवीजन सीरीज़ देखी है, मेरे नोट फॉलो किए हैं, जो भी लोगों ने फॉलो किया है या आपने किसी और का फॉलो किया होगा, जिन लोगों ने भी प्रॉपर 3-4 महीने से पढ़ाई की है, बस मैं नहीं चाहता हूँ कि मेहनत वेस्ट जाए, कि लोग बेवकूफियाँ करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, बस कितने कम से कम लोग गलती करें, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मैं अवेयर कर पाऊँ, मेरा बस ये कोशिश है। कभी भी जीरो तो नहीं हो पाएगा कि भाई किसी ने ब्लंडर किया ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी पता है, बट मैं चाहता हूँ जितने बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में हैं जो मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, एटलीस्ट कम से कम बच्चे बेवकूफियाँ करें, मैं उनको पहले ही आगाह कर लूँ कि आप क्या क्या मिस्टेक्स करने वाले हो, क्या क्या ब्लंडर्स करने वाले हो पहले से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब समझदार को इशारा काफ़ी है, समझदार को इशारा काफ़ी है, ये मेरा इशारा है। समझदार होंगे आप तो आप समझ जाओगे, इन स्पाइट ऑफ दिस अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो भाई अगले अटैम्प्ट में मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इस टाइप के वीडियोस मैं जून 22 में भी डालूंगा, ठीक है, ये मेरा पैटर्न है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट दीजिए, ना ख्याल रखें, मोटिवेटेड रहें, ठीक है, और लगे रहें, बस लगे रहें, ठीक है, लगे रहो और पढ़ाई के तरफ ही ध्यान दो और मोबाइल कम से कम यूज़ करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ठीक है, गिव योर बेस्ट।